नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने फिर से शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस योजना को शुरू करने के लिए कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र लिख रहे हैं, तो आइए देखते हैं यह वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, विपिन बांधखेड़े विधायक हैं आगर से, और इन्होंने यहाँ पर मांग की है, सेतु पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य के समस्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाबत लिखा गया है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने बजट सत्र के उद्बोधन में राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार में भी जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का जल्द आदेश जारी करने की सादर अनुरोध है। तो यहाँ पर आगर मालवा के जो विधायक हैं विपिन बांधखेड़े जी, उन्होंने यहाँ पर अपील की है, निवेदन किया है शिव शिवराज सिंह जी चौहान से, कानपुर जिला खरगोन से। तो उन्होंने भी इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यहाँ पर उन्होंने भी यही मांग की है। तो यहाँ पर सभी कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान सरकार के जिस तरह का फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी से मांग की। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री इनकी मांग पर क्या विचार करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।